गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं हूँ अकेली घर में और कोई भी नहीं है। तो मेरी नींद खुल गई है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि मम्मी पापा गए हैं कहीं पर बाहर, मेरा भाई भी सिस्टर भी, तो मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन भी नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ और ये बात आपसे शेयर करूँ। एक्चुअली मम्मी पापा हरिद्वार गए हैं तो मैं घर में अकेली हूँ और मेरे को बोरिंग सा लग रहा है। यार मम्मी पापा के बिना कितना अकेला फील हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही मुझे। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं को रोना आ रहा है, मम्मी पापा अभी आने आ जाएंगे, वो उनकी दो दिन के लिए गए हैं, कल गए थे वो। और मेरी आंखें खुल गई अचानक से क्योंकि कोई नहीं है ना घर में, तो अकेले अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा डर भी लगता है। बट एनीवे कल तो आ ही जाएंगे। आई मिस यू, आई मिस माई मॉम डैड। मम्मी पापा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में यार, उनके बिना तो कुछ नहीं होता। मेरे को बहुत अकेला फील हो रहा है। चलो कोई नहीं यार, आ जाएंगे, बस अच्छे से इंजॉय करें, खुश रहें बस। कभी कभी जाते हैं, हमेशा तो जाते ही नहीं आप, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जब अकेले होते तो बुरा तो फील होता है ना भाई। देखो मेरी आँखों में आंसू भी आ रहे हैं। बट एनीवे कोई बात नहीं, चलो आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ यहीं से। चलो गाइस, जब तक अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं ना फ्रिज से ना मैंगो लेके आती हूँ, वो ही खा लूँगी। जो ब्लॉग है थोड़ा बोरिंग तो लगेगा ही आपको, बट कोई बात नहीं ना, चलते हैं मैंगो लेने। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा फिर, इसलिए बार बार रोना आ रहा है। गाइस मैं आम खा रही हूँ, कोई घर में है नहीं, अलोन फील तो हो रहा है, बट आम खा के थोड़ा इंजॉय कर लेती हूँ। आम इतना अच्छा नहीं है, चाय पीने का मन था मगर दूध नहीं है। अब पहले मुझे दूध लेके आना पड़ेगा ना, और अभी तो 4:30 हो रहे हैं, 4:30 बजे तो कोई शॉप भी नहीं खुली। जब शॉप खुलेगी उसके बाद में दूध लेके आऊँगी। बिल्कुल अकेली हूँ मैं घर में, तो मैं आपसे आम खाने के बाद मिलती हूँ।
tired of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Take us so long. तो गाइज यहाँ पर मैं बनाकर एक वीडियो क्लिप नेचुरल सा मैंने मेकअप लुक करा है. हानिया आमिर इंस्पायर्ड मेकअप लुक है. वीडियो शॉर्ट है, आप ज़रूर देखना, आपको ये लुक बहुत पसंद आएगा. एकदम नेचुरल है. तो मैंने मैंगो भी खा लिया, मैंने वीडियो भी बना ली. अब मुझे अच्छा भी लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है. मुझे तो अपना ये वाला लुक ना बहुत 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 पसंद आया है, क्योंकि एकदम से नेचुरल लुक है. मैं जा रही हूँ घर के बाहर, अकेली थी तो इसलिए लॉक लगा रखा था घर में. अब मैं बाहर जा रही हूँ. बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है मॉर्निंग में. अब तो दिन निकल गया, मुझे कोई डर नहीं है. मतलब अकेले अकेले कितने प्यारे लग रहे ना ट्री. अकेले ना डर सा, अकेले इतना डर भी नहीं लगता वैसे भी, बट पेरेंट्स होते हैं ना यार, ज़्यादा अच्छा लगता है. अच्छा लग रहा है ना मॉर्निंग में, चिड़ियों की आवाज़ें. मैं और आगे तक चलती हूँ. ये हमारा ना ऑफिस, ये ना यहाँ पर ऑफिस है एक तरीके से. इन्होंने क्या कर रखा ऑफिस का कबाड़ सा ये, बट इट्स ओके. उन्होंने वो कवर किया है धूप से बचने की वजह से. ये है हमारा ऑफिस. और देखो कितनी काई जम गई है यहाँ पर. ये है हमारा ऑफिस, मतलब यहाँ पर हम रहते हैं ना, स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं ना. तो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर, पता कोई भी नहीं होता. सो गाइज मैं भी बाहर आ गई हूँ और मैंने ये वीडियो शूट की थी हानी आमिर मेकअप लुक. तो इस वजह से मेरे जो गाल हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं. गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के. मैं कब से उठी हुई हूँ आज, मुझे पता है नींद भी नहीं आई ढंग से, क्योंकि घर में जब कोई नहीं होता तो नींद भी नहीं आती. और मैं पता है रोने भी लगी थी, सैड फील होती, क्योंकि अकेला अकेला अच्छा नहीं लग रहा था मुझे. बट अब से सब उठ गए हैं. और पता दूध भी ख़त्म हो गया है, मुझे चाय पीनी थी इतनी ज़्यादा. मतलब मॉर्निंग में चाय अच्छी लगती है ना पीनी. चलो थोड़ी बहुत है, हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं. पीछे एक अंकल आंटी आ रहे हैं, पहले मैं उनको जाने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी. और मेरे भैया भाभी भी आ जाएंगे, फिर वो मेरी भाभी आलू के पराठे बनाएगी आज और मैं खाऊंगी. पहले वो अंकल आंटी आ रहे हैं ना, उनको पीछे से मैं उनको जाने देती हूँ और मैं जाके अपने घर की करूँ. कल मैं आपको ना ग्लोइ की बेल दिखाती हूँ, जिसको डेंगू होता है और जब पीते हैं ना तो वाली बेल आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे हमारे यहाँ ना बहुत सारी लगी है, तो अब मैं पीछे बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको. लुक एट दिस गाइस, वॉट अ व्यू ना. और कितनी सारी ग्लोइ की बेल है ना, कितनी ग्रीनरी है. और सामने पता है बेल पत्थर का, जो बेल पत्थर होता है ना उसका पेड़ है ये, सैतूत का भी है. यार गए वो अंकल आंटी, पता है वो ना डॉगी ने पोटी कर रखी है नीचे, गंदा लग रहा है पोटी. अच्छा वो अंकल आंटी पता है, और वो सोच रहे मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ. उनको क्या पता मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको कुछ थोड़ी ना पता.
यहाँ पे पता है किसी को थोड़ी ना पता है मैं वीडियो शूट करती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना कि अपना एक एक मोमेंट आपके साथ शेयर करूँ मैं अपनी लाइफ का। थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी मैं, एक्सरसाइज करने से जो हमारा हम अच्छा फील करते हैं और जो फिज़िकली भी तो फिट होते हैं और जो हमारा माइंड है ना वो भी बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो हमें ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो कर लेनी ही चाहिए। मैं थोड़ी बहुत शेयर करूँगी आपके साथ क्योंकि कैमरे को पकड़ना नामुमकिन है ना, इसीलिए कैमरे को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, सेट करती हूँ। गाइस मैं थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करूँगी है ना। पहले सूर्य नमस्कार, आपको पूरा तो दिख नहीं पाएगा। इस तरीके से करेंगे, गाइस आपको पूरा सूर्य नमस्कार नहीं दिखेगा क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, बट सूर्य नमस्कार ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमारी पूरी बॉडी की फिटनेस उससे हो जाती है। कैमरा फोकस नहीं कर रहा, मैं छोटी मोटी एक्सरसाइज होती है, बट ना सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज कर ली है, अब मैं अपने भाई को बोलूँगी कॉल करके कि दूध लेकर आए, फिर हम बनाएंगे चाय, फिर उसके बाद ज़्यादा थोड़ा थक जाते हैं। अभी बताया मैंने आम भी खा लिया, गाइस मुझे बाहर अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, अंदर मुझे अकेला फील हो रहा है और मेरे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है जिनके साथ मैं बात करूं, ना ही बॉयज़ में है ना गर्ल्स में कोई नहीं, जिनकी थी उनकी शादी हो गई है तो मैं अभी बिल्कुल अकेले फील करती हूं। कोई फ्रेंड्स होता तो फिर मज़ा आता, जिनके फ्रेंड्स होते हैं मैं यूट्यूब पे देखती हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काश मेरे भी फ्रेंड्स होते, बट मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको अपना दिल की बात बता रही हूँ कि सच में मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मतलब मेरी फैमिली है, सिस्टर्स हैं, बट कोई बॉयज़ में भी फ्रेंड नहीं है, कोई गर्ल्स में भी फ्रेंड नहीं है, ओनली मैं अकेली हूँ और अकेले अच्छा नहीं लगता ना। सो या गाइस चलो अब अंदर चलते हैं, चाय बनाएंगे, पहले मिल्क मंगाएंगे फिर चाय बनाएंगे और फिर उसको पिएंगे। अकेले अकेले लाइफ में पेरेंट्स के बिना तो अच्छा भी नहीं लग रहा। चलती हूँ मैं घर की तरफ, चलो आपको घर में ही मिलती हूँ सीधा। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं मिस्टर आरव, आरव बोल बुई बुई बोल बुई बोलो बोलो बुई बेबी बोलो बुई बोलो बुई आरव माय क्यूट बेबी। मैं बिल्कुल अकेला फील कर रही थी और लेकिन अब आरव आ गया और मेरे को पैर से लात मार रहा है, ये
ये मुझे मार रहे हैं। हाँ क्यूटू क्यूटू। सो गाइस मैं कितना जो बोरिंग लग रहा था, मुझे अकेले फील हो रहा था, अब यहाँ पर आ गया मेरा बेबी छोटा सा क्यूट सा, भाभी को ले आई है, अब हम दोनों मस्ती करेंगे, घूमी घूमी बाहर एंजॉय करेंगे हम, मस्ती 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 मस्ती, क्या करेंगे हम दोनों मस्ती। आरु देखो कैसे कैमरे को देख रहा है, आरु कैसे देख रहा है कैमरे को, आरु आरु खेलो, बोलो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरी वीडियो को शेयर कर दो, बोलो सपोर्ट करो हमें, बोलो हमें सपोर्ट करो। यहाँ पर हो रही है बारिश बारिश बारिश, यार कितना ऑसम मौसम हो रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा ना, यार मुझे इतनी पसंद है बारिश, बट मैं नहा नहीं सकती ना बारिश में, तो गंदा लगता है मुझे, तो अच्छा तो लग रहा है। बारिश और तेज हो गई और तेज हो गई। ये कितनी तेज बारिश हो रही है यार, मजा आ रहा है, वाओ तेज और तेज। यहाँ पर बन रहे हैं हमारे आलू के पराठे, गरम गरम और नरम 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 नरम, नई क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे हैं, और यहाँ पे बनी हुई है चाय, चाय के साथ आलू के पराठे, तो गाइज यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना रात का डिनर, मैं खाने जा रही हूँ यहाँ पे दाल चावल एंड ये मैंने लिया सैलेड, तो मैं इसको खाऊंगी, मैं करने जा रही हूँ एसी ऑन। ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये ऑन करना, हो रहा ही नहीं है, फाइनली एसी ऑन हो गया है, अब मैं खाऊंगी खाना। सो गाइस यहाँ पे मैं खाने जा रही हूँ अपना डिनर करने जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ दाल, बहुत टेस्टी लग रहा है, ये मैंने थोड़ी ना बनाया, मेरी भाभी ने बनाया है, और मेरी हालत कैसी होगी, आज मैं बहुत रोई हूँ क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे ना अकेले अकेले, तो टेंशन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।